और बस्तर जिला नागौर के खिलाफ कि इन्होंने बताया कि मेरे 4-5 लड़कियों के बाद में एक लड़का पैदा हुआ है जिसके दिल में छेद है और उसके इलाज के लिए 5-6 लाख रुपए की आवश्यकता है, 6 लाख रुपए की। Shivani, 8th sem CS student. Hi, I'm Pulkit Badulia, 8th sem CS student. Recently, मेरा placement 2 MNC company में हुआ, जिसका श्रेय मैं Arjavit management team, mentors and HODs को देना चाहूँगी। And I'm also very thankful to Arjavit team, जिन्होंने हम students को professional life में उतरने के लिए इस काबिल बनाया। किशनगंज थाने में 2 अलग अलग धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज। 6 लाख रुपए उधार लेकर नहीं चुकाने और मुंबई की फर्म द्वारा ऑनलाइन ठगी का मामला आया संज्ञान में। किशनगंज थाने में 2 अलग अलग धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहले मामले की जानकारी देते हुए थाने के हेड कांस्टेबल रणवीर सिंह ने बताया कि न्यायालय से 156/3 के तहत प्रकरण किशनगंज थाने के सुपुर्द किया गया है, जिसमें परिवादी पंचशील नगर निवासी आशीष राजौरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पास साड़ियों का बाड़िया, डाडोता बास, परबस्तर जिला नागौर के आरोपी मोइनुद्दीन, सीमा, जावेद और रुखसत ने बच्चे के इलाज के लिए 6 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन अभी तक पैसे नहीं लौटाए। जब गांव में जाकर मालूम किया तो उनकी धोखाधड़ी के कई कारनामों से पर्दा उठ गया। उन्होंने ऐसे कई लोगों को अपना शिकार बनाकर धोखा दिया है। इस पर न्यायालय के आदेश से 420, 406, 467, 468, 471 और 120B के तहत आरोप पंजीकृत कर मुकदमा दर्ज किया गया है। तफ्तीश जारी है। न्यायालय से 156(3) के तहत एक प्रकरण आया है, जो श्री आशीष राजौरिया पुत्र श्री चंद्रशेखर राजौरिया उम्र 40 साल निवासी ए 403 पंचशील नगर अजमेर ने एक रिपोर्ट दी है। आरोपी गणे मोइनुद्दीन, सीमा, जावेद, रुखसत, साइयों का बाड़िया, डाडोता का बास, परबसर जिला नागौर के खिलाफ कि इन्होंने बताया कि मेरे 4-5 लड़कियों के बाद में एक लड़का पैदा हुआ है जिसके दिल में छेद है और उसके इलाज के लिए 5-6 लाख रुपए की आवश्यकता है, 6 लाख रुपए की। तो परिवादी को विश्वास में लेकर इन्होंने परिवादी से 6 लाख रुपए ले लिए, जिसमें 3 लाख रुपए के इनको चेक भी दिए हैं और अब वो पैसे परिवादी इनसे पैसे मांग रहा है तो पैसे नहीं दे रहे हैं। परिवादी ने जब उनके निवास स्थान के आसपास जाके पूछताछ की तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि इन लोगों ने पहले भी कई लोगों से पैसे ले रखे हैं और जो दिन में घर में नहीं मिलते वो रात को देर रात से पर आते हैं और सुबह जल्दी निकल जाते हैं। इस बात को लेकर ये प्रकरण दर्ज कराया है, जो थाने प्रकरण दर्ज हो गया और जांच अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। परिवादी पंचशील नगर का है आशीष राजौरिया। इसमें 420, 406, 467, 468, 471 और सहयोगियों के लिए 120B जो धारा है उसमें प्रकरण दर्ज हुआ है। वहीं वैशाली नगर केशव नगर में श्याम सैलून एंड एकेडमी के संचालक राधेश्याम करनानी ने बताया कि उन्होंने किशनगंज थाने में मुंबई की फर्म नायर नेल एसेसरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने 10 नेल पेंट का ऑर्डर कंपनी को दिया था और कंपनी के पेटे 3,500 रुपये उनके ICICI बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, जिसका नाम हर्षद नटवरलाल राजपूत के नाम से था। पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए राधेश्याम करनानी ने बताया। ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी ऐड आते रहते हैं नेल पॉलिश के और मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह के भी। मैं क्योंकि सैलून से हूँ तो ये देखता रहता हूँ और कई बार अच्छे भी होते हैं, लेकिन इनसे भी जब मुलाकात हुई तो बड़े बड़े सेट दिखाने लगे कि 35,000 के हैं, 30,000 के हैं। मैंने कहा इतने नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 10 नेल पॉलिश चाहिए हैं। और आखिर वो 10 नेल पॉलिश हमने सेलेक्ट भी की, जिसके उन्होंने बताया कि 3,500 रुपये लगेंगे। मैंने कहा भाई ठीक है चलो सही है। और वो उनका अकाउंट नंबर मैंने कहा डायरेक्ट मैं मोबाइल के अकाउंट में नहीं डालूंगा, आप मुझे अकाउंट नंबर भेजिए। अकाउंट नंबर भी डाला। पहले तो मैंने उनको इंसिस्ट किया कि अगर ये कैश ऑन डिमांड हो सके, तो बोले नहीं हमारे यहाँ कैश ऑन डिमांड की फैसिलिटी नहीं है। चलो
ठीक है वो 3,500 दे दिए। और मैंने कहा इसमें डिलीवरी चार्जेस हैं आपके कोरियर चार्जेस कि नहीं, तो बोले नहीं वो कोरियर चार्जेस हम आपसे बाद में लेंगे जितने लगेंगे, तो क्योंकि हम ज़्यादा नहीं चार्ज करना चाहते। मेरे 350 और उनके पास में बैलेंस भी बनते थे। तो फिर इन्होंने कोरियर के रात को मैसेज भेजा कि कोरियर चार्जेस आपके 850 होते हैं और ब्लू डार्ट से इतने। मैं आई वॉज सरप्राइज कि मैं 850, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, मैंने कहा मेरा आप ये कैंसिल कर दें आप ऑर्डर भाई, 50, 100, 200 इतना तो फिर भी मुझे समझ में आता है, हैं 10 नेल पॉलिश के लिए ये 850 कौन सा हुआ। तो अभी वो पैसा वापस करने को भी तैयार नहीं है। और न तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि शायद इस तरह के जब भी आप पेमेंट करते हैं तो बहुत केयरफुल होके करें। ये भी शायद एक गलती थी जो मुझे लगता है ऑनलाइन फ्रॉड है, इसीलिए मैं यहाँ क्रिश्चनगंज थाना में आया हूँ रिपोर्ट करने। मैंने 3,500 रुपये दिए हैं शिकायत, जी हाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि कंपनी का नायर नेल एसेसरीज मुंबई की है कंपनी, अंधेरी में उन्होंने लिखा है और नाम है नटवर लाल, पता नहीं क्या कुछ मुझे तो हर्षद नटवर लाल और राजपूत। जब मैंने उनको बोला कि ये नाम कैसा, आप तो लड़की हैं आपके नाम का होना चाहिए या कंपनी के नाम का होना चाहिए अकाउंट, तो बोले नहीं मैं अभी छोटी हूँ 17 साल की हूँ, इसलिए मैं अंकल के नाम से ये बिजनेस करती हूँ मैं अभी। तो मैं भी कन्विंस हो गया कि मैंने शायद चलो ठीक है।